हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है हमारा चैनल जस्ट प्ले न्यू प्लेयर। हम अब खेलने जा रहे हैं टेनिस क्लैश, ये तो गूगल प्ले गेम्स में मिल रहा है। सो इसलिए हमने स्टार्ट किया खेलने के लिए, नया गेम है और कैसा खेलना इसलिए देखेंगे बोल के हमने गेम को स्टार्ट किया। ओके मैं तो खेल रहा हूँ, उधर बंदा अपोजिट ऑनलाइन में डायरेक्ट सेलेक्ट होता सो इसलिए उसको सेलेक्ट किया। अपोजिट प्लेयर गेल को बाहर मारने से हमको मिलेगा एक पॉइंट, तो अब स्कोर हुआ 1-0 और अब मैंने बाहर को मार दिया गेल को, तो उसे भी एक पॉइंट मिला है, उसका एक पॉइंट और मेरा एक पॉइंट दो भी बराबर हो चुके हैं। अब सर्विस उसका है और मैं खेल रहा हूँ, वो मार दिया, मैं भी मार दिया, वो तो बाहर फिर से बाहर मार दिया। तो अब हम क्या करना है बोले तो, दो भी नए बंदे होने से स्ट्राइट टू स्ट्राइट खेलने के लिए कोशिश करना है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। एक सर्व, सर्व तो मुझे नहीं सुध रहा है इसलिए बाहर मार दिया गेल को। अब सर्विस कर रहा हूँ मैं, ये बंदा बाहर मार रहा है नहीं तो नेट पे मार रहा है। मुझे तीन पॉइंट्स मिले और इसको एक पॉइंट। अब मैं फॉल्ट कर दिया सर्विस में, तो एक चांस गया है और दूसरा चांस फिर से मारा। ओके अब मैं एक सोच रहा हूँ स्ट्राइट टू स्ट्राइट खेलने से हमको भी इम्प्रूव होगा और उसको भी इम्प्रूव होगा। पंकी है बंदा तो बाहर ही बाहर मार रहा है गेल को, क्या गेल बाहर मारे से गेल सब घर को ले जाए क्या? क्या भाई साहब, सीधा सीधा खेलो, हम भी ट्राई करेंगे। मैं तो स्ट्राइट मार रहा हूँ पूरे गेल, स्ट्राइट टू स्ट्राइट खेलने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। ये तो फिर नेट को लग गया है, उसको दो पॉइंट मिले। अच्छा, हम और दो तीन बार नेट को मार दे के उसका पॉइंट्स भी हमसे बराबर कर देंगे। एक बार मौका दिए तो मालूम हो जाएगा वो क्या है और इसका टैलेंट क्या है। सो इसलिए मैं तो स्ट्राइट खेलने के लिए फिर से कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्राइट बोले तो मतलब कोर्ट में स्ट्राइट नहीं, वो बंदा किधर है कि उधर मार रहा हूँ मैं। उस प्लेयर ने एक ही ओर खड़ रहा है, वो तो सीधा खेलने के चक्कर में। मैं मौका देख के बॉल को क्रॉस कर देता हूँ, पंकी ये तो फिर से नेट में घुस गया। सारे के सारा बॉल्स नेट में जाएगा या बाहर जाएगा, तो कोर्ट में कौन खेलेगा भाई साहब? ये एम्पायर जो बोले तो क्रिकेट में एम्पायर रहता है और टेनिस में कौन रहता है? रेफरी। रेफरी किधर है मुझको नहीं दिख रहा है। फिर से स्ट्राइक मारने की कोशिश, पर बाहर चल गया। हम तो गेम के स्टार्टिंग में बूस्ट पी के निकले हैं इसलिए गेल बात करे तो बाहर जा रहा है। मैं तो कोशिश करता हूँ स्टैमिना कम करके मारने के लिए और मेरे पॉइंट से चार, उसके अपोनेंट टीम क्या है 6। ये तो मुझे पार कर दिया, ये तो गेम पॉइंट आ गया है। हम सीरियस खेलने की वजह से हम गेम को लास्ट होने तक आ गए, अब तो हम सीरियसली खेलना ही पड़ेगा। जय बोलो टेनिस भाई को, मारो फिर से मारो। अब गेम चेंज कर देंगे हम, बॉल को पलटा के हमको मिल गया एक पॉइंट। इस पॉइंट से हम अब आज के हैं मैच पॉइंट तक। अब हमने पॉइंट को गंवा दिया तो उस बंदा ने जीत जाएगा, सो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उसे फिर से गेम माइंड गेम खेल के उसका माइंड को कंफ्यूज करना चाहता हूँ, लेकिन वो ही खुद आउट मार दिया है। इस बार वो भी एक ग्लास बूस्ट पी के आया सर का है इसलिए वो खुद मार दे रहा है। दोनों के पॉइंट इक्वल हो गए, वो फिर से बाहर मार दिया। अब हमको मिल गया और एक पॉइंट, पूरे 7 पॉइंट्स और उसके 6। अब हमको एक पॉइंट और मिल गया तो हम जीत जाएंगे। विनर विनर, इसमें तो चिकन डिनर नहीं रहता, ओनली वेज डिनर रहता। क्लैप्स मारना है क्लास से, उधर इधर देखना है जाना है, वही पबजी में है तो कूदते सबको मार देते। लेकिन फिर से मिलेंगे, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।